हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी शाह के बाद अब बीजेपी सांसद की रैली में नहीं जुटी भीड़, खाली कुर्सियां देख रोने लगे। बीजेपी सांसदों से जनता इतना खफा है कि सारे इंतजाम करवाने के बावजूद उनकी रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है, पंडाल में रखी कुर्सियां तक नहीं भर पा रही। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी की जमीन पर क्या हकीकत है। आजमगढ़ के लालगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की सांसद नीलम सोनकर को जनता के गुस्से का भारी सामना करना पड़ रहा है। सांसद नीलम सोनकर की रैली में कुर्सियां खाली रह गई तो वो रोने लगी। सभा स्थल में भारी मात्रा में कुर्सियां खाली और जनता की गैर मौजूदगी की वजह से सांसद नीलम सोनकर को रोना आ गया। सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांसद रो रही है। नीलम सोनकर की सभा में खाली कुर्सियां बता रही है कि उन्होंने 5 साल तक जनता के लिए कोई काम नहीं किया। वो अपने क्षेत्र में लगता है 2014 के बाद अब दोबारा 2019 में आ रही है, इसीलिए जनता उनको पहचानने से इनकार कर रही है। बता दें कि भीड़ जुटाने के लिए गाड़ी और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। रैली में कुर्सी खाली रहना सिर्फ नीलम सोनकर की बात नहीं है, ये हाल लगभग देश में कुछ एक बीजेपी सांसदों को छोड़कर सभी का यही है। पिछले दिनों वाराणसी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला था। इस सभा में जनता भारी मात्रा में नदारद थी। कुल मिलकर जो थोड़ी बहुत जनता दिखाई दे रही है वो पीएम मोदी की रैलियों में है, इसीलिए बीजेपी नेता पीएम मोदी की एक रैली अपने क्षेत्र में चाहते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।